दोस्तों, कभी कभी कोई बात समझ में आकर भी पूरी तरह समझ में नहीं आती, उसके लिए आपको पूरा सफर तय करना पड़ता है। आप भी नहीं समझे ना मेरी बात, तो चलो आप भी देखिए ये पूरी कहानी, क्योंकि आप जब देखोगे तो समझोगे, और समझोगे तो जानोगे ना। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। आइए मित्र, आइए, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे पिताजी को जानते ही थे, उन्होंने हमें बताया था। जी हाँ, आपके पिताजी से हमने बहुत कुछ सीखा है। वे बहुगुणी और अत्यंत ज्ञानी पुरुष थे, पहेलियों के बादशाह। उनके देहांत के बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ था। सही कहा आपने, पहेलियों के बादशाह। जाते जाते वे हमारे सामने एक अजीब सी पहेली छोड़ गए हैं, जिसे सुलझाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या है आपकी समस्या? ये है वो जो हमारे पिताजी हमारे लिए छोड़ गए हैं अपनी वसीयत में। और ये पत्र में तो कुछ लिखा ही नहीं। गुंजा लिखाई पत्र पर नहीं, इस सोने की तख्ती पर है। यशोधर के पिता अपनी वसीयत में सोना छोड़ गए हैं। नहीं मुंजा, ये इतना सरल नहीं हो सकता। यशोधर, इतने दिन से हमारे मेहमान बन के रहिए, कल सुबह तक मैं इस पहेली को जरूर सुलझा लूंगा। उत्तर बस्ता में है तेरा वन, चमकते उत्तर महल जादुई। खोजना जादू इवन। हाँ महाराज, अब ठीक लगता है। अब सवाल यह है मुंजा के उत्तर में कहाँ है? महाराज देखिए, किसी तरह ये पत्र पे लिखा दिख रहा है। ये निशानी उत्तर की ओर जा रही है। शायद यही है अपनी मंजिल महाराज। मुंजा, उत्तरी गुफाओं की ओर चलने की तैयारी करो। Yoshi, Yoshi, Yoshi,
सोच रहे हो यशोधर? महाराज हमें बाईं ओर जाना चाहिए। नहीं यशोधर, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई रास्ता है, हमें दाईं ओर ही चलना चाहिए। हमारी बात का यकीन कीजिए महाराज, हम बाईं ओर से आती हुई हवा को महसूस कर सकते हैं। यहीं से बाहर निकलने का रास्ता होगा। चले महाराज। चलो। ये हम कहाँ आ गए हैं यशोधर? हमें दाईं ओर ही जाना चाहिए था। हम सही आ रहे हैं महाराज, विश्वास कीजिए। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? महाराज इस तरफ। बस यशोधर, बस बहुत हो गया। अब जिस तरफ से आए थे हमें उसी तरफ वापस जाना चाहिए। क्षमा करें महाराज, ये देखिए, भला एक बर्फीली गुफा में ये नुकीली बर्फ के भाले एक तरफ से टेढ़े क्यों हैं? ये हवा की कारीगरी है। इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बस कुछ ही दूर है, हमारा विश्वास कीजिए। चलो। शायद यही हमारी मंजिल है, हम पहुंच गए। कौन हो तुम लोग? ये यशोधर है, यह है मेरा साथी मुंजा, और मैं हूँ विक्रमादित्य। यहाँ क्यों आए और कैसे? हम आपके पास यह चर्म पत्र लेकर आए हैं, कृपया इसे पढ़ें और हमें बताएं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है वत्स। जी ऋषिदेव, मैं जानता हूँ ये मंत्र यशोधर के लिए है। मैं इस वस्य का मतलब तो समझ गया था, मगर मैं इसके नतीजे तक पहुंचना चाहता था, पर यहाँ आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तुम लोगों ने ये दुर्लभ रास्ता कैसे तय किया? नहीं कर पाते ऋषिदेव, अगर यशोधर ने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता, यही हमें आप तक लाया है। मैं पहले परखना चाहता था कि क्या यशोधर उसके पिता द्वारा बनाई गई वसीयत के काबिल है भी या नहीं। तो आप इस पहेली को पहले ही भूल चुके थे और अब तक बस यशोधर का इंतजाम ले रहे थे। बिल्कुल, और अब ऋषिदेव अगर इसे पूरी तरह समझा दे तो मैं जान पाऊंगा कि मेरा अनुमान कितना सही था। वृक्ष रूपाय आजाय, वृक्ष रूपाय आजाय, प्रकटम प्रकटम प्रकटम। धन्यवाद ऋषिदेव, ये है राजा कार्तिकेय, इस सारे वन के राजा। ये अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर तलाश रहे हैं और यशोधर के पिताजी को ये बात पता थी। राजा विक्रम की कृपा से शायद इन्हें वो योग्य वर मिल गया है। तुम्हारे पूजनीय पिता जानते थे कि तुम राजा बनने की इच्छा रखते हो, पर तुम राजा बनने के योग्य हो या नहीं ये परखने के लिए उन्होंने इन सबको एक पहेली का रूप दिया। महाराज विक्रम, आपकी मदद के बिना मैं शायद ही कभी नहीं कर पाता, मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। देखा दोस्तों कि किस तरह धैर्य और सूझबूझ से हर पहेली को सुलझाया जा सकता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगली बार फिर मिलूंगा।